हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इग्नू BEGE 103 का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये पार्ट वन है, ये आपका यूनिट 37 जो आपके बुक्स है उसमें ये कवर करता है। ये जो है जो मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में वो BEGE 101 में भी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग मैंने यूनिट 37 भी अटैच किया है, सो प्लीज़ सी। ये आपका PDF है बुक की, यूनिट 37 का। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या दिया रियोटिक के पार्ट्स में, और उसके अंदर ही फिगर और स्पीच वगैरह उस पार्ट्स तो मैंने एक्सप्लेन किया। आगे आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप स्किप करके देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कभी कभी ये आपके एग्जाम में 30 मार्क्स या 20 मार्क्स का आता है, कभी पूरा डिटेल में लिखने के लिए आता है, या कभी आपको 100 वर्ड्स में या 20 वर्ड्स में या शॉर्ट नोट्स में आता है। तो आप वीडियो अगर बार बार देखेंगे तो आपको ऐसे ओरली ही ये आंसर बिना लर्न किए आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सो प्लीज़ सी द वीडियो। इसमें इसके डिटेल्स में पार्ट नहीं है, बट मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ सी टिल एंड। पहले हम रियोटिकल डिवाइस को रियल लाइफ से समझ लेते हैं। जैसे एक पॉट मेकर दो पॉट बनाता है, दो घड़ा बनाता है, एक सिंपल एक डिज़ाइन वाला, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं डिज़ाइन वाले की तरह। तो ये जो डिज़ाइन पॉट मेकर ने उसमें लगाया तो ये उसके लिए रियोटिकल डिवाइस हो गया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ द डेफिनेशन, रियोटिकल इज द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज वेयर एटलीस्ट वन पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज द थिंकिंग ऑफ एटलीस्ट वन अदर पर्सन। दिस कैन बी डन आइदर ओरली इन समथिंग सच एज पब्लिक स्पीकिंग और इन द रिटर्न फॉर्म सच एज इन अ थीसिस पेपर। सो रियोटिकल एक ऐसा आर्ट है जो लैंग्वेज को खूब अट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी पोएम हो गया या स्टोरी हो गई उसको अट्रैक्ट करने के लिए राइटर्स लोग उसमें ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो रियोटिकल डिवाइस कहलाता है। जनरली ये पॉलिटिशियन और राइटर्स लोग यूज़ करते हैं लोगों को अपनी बातों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हो गया रियोटिकल डिवाइस। रियोटिकल डिवाइस 2 टाइप्स के होते हैं, ओरल और रिटन, दो जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओरल का यूज़ मोटिवेशनल स्पीकर पॉलिटिशियन वगैरह यूज़ करते हैं लोगों को अपनी बातों में अट्रैक्ट करने के लिए। रिटन फॉर्म जो होता है वो पोएट और राइटर्स लोग अपने पोएम और स्टोरी वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए रिटन फॉर्म रियोटिक डिवाइस यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं 4, लोगोस, पैथोस, एथोस, कैरियोस, बट ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। इसमें टोटल 30 रियोटिकल डिवाइसेस होते हैं, बट इसमें से कुछ ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज़ सी ईच एंड एवरी वन। फर्स्ट है आपका एक्यूसमस। ये एक ऐसा रियोटिकल डिवाइस है जिसमें आप एक्चुअली कुछ चाहते हैं बट आप उसको रिफ्यूज़ करते हैं एट लास्ट। जैसे यहाँ कैट मिल्क ड्रिंक करना चाहती है बट वो किसी कारण से उसे ड्रिंक करना नहीं चाहती, तो ये उसके लिए एक्यूसमस हुआ। सेकेंड है आपका एडनोमिनेशन। इसमें जो वर्ड्स को हम रूट वर्ड के साथ, सेम रूट वर्ड के साथ सेम सेंटेंस में यूज़ करते, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, इसमें सम इज़ अ रूट वर्ड। थर्ड है आपका अडिनाटो। ये ऐसे रियोटिक डिवाइसेस हैं जो सेंटेंस में ऐसे इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ करते हैं जो इम्पॉसिबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर द पिग इज़ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, ही वाज सो हैप्पी, सो पिग इज़ नॉट फ्लाइंग। स्टोरी और पोएम को अट्रैक्टिव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है आपका एलिटरेशन। ये जो होता है इसमें कॉन्सोनेंट जो सेंटेंस में बार बार रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट वो होता है जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वॉवल्स को छोड़ के जो बाकी अल्फ़ाबेट ए टू जेड में बसते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में पी, सेकेंड में है सी एंड थर्ड में है बी। फिफ्थ है आपका एनाकोलुथन। ये एक ऐसा रियोटिक डिवाइस है इसमें आपको राइटर मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है इसमें। वो अपने एजम्पशन से आपके अंदर क्वेश्चन उठाएगा, आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। जैसे एग्जांपल में दिया है कि आई नीडेड टू बाय अ कार सो आई वेंट टू, बट एट लास्ट ये बोल रहा है आई एम ऑलरेडी हैविंग अ कार।
सिक्स्थ है आपका एनाडिप्लोसिस, इसमें आपका जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस का वो या क्लॉज का वो उसका फर्स्ट वर्ड बन जाता है, जैसे एग्जांपल में दिया स्लेव और ग्लैडिएटर। सेवेंथ है आपका एनाफोरा, इसमें आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है लोगों को उस सेंटेंस के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, उसका मेन थीम के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर लव है। एट्थ है आपका एनाटोगोजे, इसमें आपका एक ही सेंटेंस में किसी चीज़ का क्रिटिसाइज और कॉम्प्लीमेंट हम कर देते हैं, जैसे तुम्हारा लाइफ लेमन की तरह, आपने उसको लेमनेट बना दिया, एक नींबू का रस बना दिया। टेंथ है आपका एंटी फ्रेसिस, इसमें आपका जो सेंटेंस में ये बोला जाता है जो बोला गया है उसका जस्ट उल्टा होता है, एग्जाम्पल में टेल मी अबाउट इट जनरली मीन्स है डोंट टेल मी अबाउट इट आई नो ऑलरेडी। 11th है आपका एंटोनोमासिया, इसमें ये होता है कि एक पर्सन की नेम की जगह पे उसका फेमस नेम यूज़ किया जाता है, यहाँ पर है द बैड ऑफ एवन, ये विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया है। 12th है एफोफेसिस, इसमें ये दिया गया है कि कोई भी इशू को क्लेम करना बिना उसको मेंशन किए, जैसे एग्जांपल में किम बोल रहा है आई नॉट कॉल्ड हिम ओल्ड व्हाई ही टोल्ड मी शॉर्ट एंड फैट। फोर्टीन है आपका एपोसियोपेसिस, इसमें सेंटेंस को हाफ छोड़ दिया जाता है ताकि लोगों के मन में क्वेश्चन उठे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, जैसे यहाँ पे हिज बिहेवियर वॉज। फिफ्टीन है आपका एस्ट्रेसमोस, इसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड रहता है उसमें एक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर बुक। 16th है आपका एसिंडेटॉन, इसमें सेंटेंस में कंजेक्शन को साइट ओमिटेड कर दिया जाता है ताकि सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए, जैसे एग्जांपल में राम श्याम धनु, इसमें से एंड हटा दिया गया है तो शॉर्ट हो गया। 17th है आपका डेलीजेमा, इसमें आपका वो सेंटेंस में हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए हेट या बहुत ही एग्रेसिव शो करते हैं वो है, जैसे आई डू हेट अ लेजी पर्सन, यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है उसके प्रति हेट एक्सप्रेशन शो कर रहा है। 18th है आपका कैकोफोनी, इसमें अनप्लीजेंट साउंड का मिक्सचर होता है, जैसे एक क्लास में सब सारे बच्चे खास रहे तो उस क्लास से जो साउंड आ रहा है वो कैकोफोनी हुआ, साउंड इज कमिंग फ्रॉम क्लासरूम। ट्वेंटी वन है आपका डिसफेमिसिव, इसमें एक सिंपल वर्ड की जगह पर एक प्लीजेंट वर्ड की जगह अनप्लीजेंट वर्ड का यूज़ होता है, जैसे मेंटल हॉस्पिटल की जगह पर यहाँ लोनी बिन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आपका मियोसिस, इसमें आपका जो सेंटेंस वगैरह है उसमें ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिससे सेंटल स्मॉल हो जाए, जैसे मेरा थंबनेल है उसमें मैंने रियोटिक डिवाइस लिखा है, इसका मतलब कि अंदर पूरा उसका डिटेल है, ये ऑटोमेटिक लोग समझ जाएंगे कि इसके अंदर डिटेल है, पर स्टार्टिंग में रियोटिकल डिवाइस जो थंबनेल में है वो मियोसिस हुआ। 23rd है आपका ऑनोमेटोपिया, इसमें ऐसे वर्ड का यूज़ करना जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुकू म्याओ होंग बूम, ऐसे वर्ड का जो यूज़ होता है वो रियोटिक डिवाइस में आते हैं। 24th है आपका पर्सोनिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच भी कवर करता है, इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाती है, जैसे ट्रीज आर डांसिंग, ट्रीज इज नॉन लिविंग थिंग है पर डांसिंग ह्यूमन एक्टिविटी है। देन नेक्स्ट है आपका रियोटिकल कंपेरिजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें थ्री टाइप्स होते हैं इसके अंदर, सिमिली मेटाफर और हाइपरकेटेसिस, ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो इसको तीनों को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है, और ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच भी कवर करते हैं तो प्लीज़ अच्छे से लर्न करिएगा ये वाला। सिमिली में ऐसा होता है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्ट कंपेरिजन होता है दो थिंग के बीच में, जैसे यहाँ पर सी इज एन इनोसेंट एज एन एंजल, एंजल और शी दोनों का कंपेरिजन किया गया है, और मेटाफर के एग्जाम्पल में ये सी इज एन एंजल हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइप है मेटाफॉर, मेटाफॉर जो है जस्ट सिमिली का अपोजिट है, इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता बट कुछ कॉमन होता है, जैसे क्रिस हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो वो गोल्ड तो नहीं है बट उसका हार्ट गोल्ड जैसे थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ऐसे हम वर्ड्स के लिए, तो ये हो गया मेटाफॉर।
नेक्स्ट है आपका हाइपोकैटास्टेटिस। इसमें कोई वर्ब यूज नहीं किया जाता, तो डायरेक्ट कंपेरिजन, जैसे एग्जाम्पल में सिर्फ एंजल लिया गया हाइपोकैटास्टेसिस के लिए, फर्स्ट वर्ण सिमिली है, सेकंड मेटाफोर है, द एंजल डायरेक्ट बोलने से वो हाइपोकैटास्टेसिस हो गया। देन नेक्स्ट है आपका रेयोटिकल क्वेश्चन। इसमें आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आपको पता है कि आंसर नहीं मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल, आर यू क्रेजी, कैन यू इमेजिन दैट, हु केयर्स, हाउ कैन यू स्टूपिड, तो ऐसे एग्जाम्पल इसमें रेयोटिकल क्वेश्चन में आते हैं। देन नेक्स्ट है आपका सिनेडोकी। इसमें वन अ पार्ट रिप्रेजेंट अ होल, एक छोटा सा चीज़ पूरे रिप्रेजेंट करता है पूरा होल को, वो उसे कहते हैं सिनाडोकी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, यूजिंग द वर्ड व्हील, व्हील के बारे में बात हो रही है एक व्हीकल का, तो मतलब पूरा व्हीकल कवर हो रहा है इसमें। देन नेक्स्ट है आपका टिमेसिस। इसमें कंपाउंड वर्ड को तोड़ के बीच में कुछ ऐसे वर्ड डाल दिए जाते हैं सेपरेशन करने के लिए, ताकि ह्यूमन इफेक्ट आए उसमें, जैसे इसमें एब्सोल्युटली के बीच में ब्लडी डाला गया है ताकि ह्यूमन इफेक्ट लाने के लिए, तो ऐसे वर्ड थीमेसिस होते हैं रियोटिकल डिवाइस का। हेलो एवरीबॉडी, आई थिंक मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा। रियोटिकल डिवाइस इतना टफ नहीं है, अगर आपसे पूरा पढ़ ले इसके 20 मार्क्स रियोटिकल डिवाइस के बारे में हिस्ट्री पूछी जाती है क्वेश्चन में, और एक पैरा दिया जाएगा जिसमें आपको पूछेगा कि फाइंड आउट द रियोटिकल डिवाइसेस और शॉर्ट नोट्स, ये हो गया 20 मार्क्स, और कुछ मैंने इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो रियोटिकल डिवाइस यूज़ करते हैं वो भी एक्सप्लेन किया, तो ऐसे करके 60 मार्क्स आपके कवर होते हैं। इसे पूरा आप सुनिएगा, बार बार सुन सुन के आपको ऐसे ही ये लर्न हो जाएगा। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके लिए क्या, इसमें कितना हेल्पफुल है आपके लिए, और आपका एग्ज़ाम कैसे गया। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा फेसबुक है प्रतिभा इग्नो, यहाँ पे आप लाइक में लाइक बटन में क्लिक कर सकते हैं, और मुझे आप रेटिंग भी दे सकते हैं यहाँ पर कि अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, तो आपको यस में टाइप करना है, अगर आपको नहीं लगता है तो आप नो में टाइप कर सकते हैं, और फॉलो बटन को फॉलो करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये यस बटन दिया है यहाँ पर, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो नो कर सकते हैं, और फॉलो करना है तो आप फॉलो बटन में क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।